हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज का सेशन टारगेट करेगा इंग्लिश पेडागॉजी को और सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सेशन में लेके आई हूँ, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है लिंग्विस्टिक्स में, सिमेंटिक में, फोनोलॉजी में, मोर्फोलॉजी में, यानी कि जो भी आप ये वर्ड्स देख रहे हो, लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, मोर्फीम, सिमेंटिक, ये सारे वर्ड्स हम लोग आज अच्छे से समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। तो जो भी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जो भी चीज़ें हम लोग समझेंगे, वो ज़रूर आपको क्लियर होगा। अगर आपको किसी में भी अभी भी कन्फ्यूजन लगती है तो वो आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पे, लिंग्विस्टिक्स से चलेंगे कि ये लिंग्विस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो लिंग्विस्टिक में आपको क्या जानना है कि जब भी हम ह्यूमन, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, जब हम उसका साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, यानी अध्ययन कर रहे हैं, आप एक जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसकी स्टडी करना लिंग्विस्टिक्स होता है। सिंपल इतना सा याद रखना है, कुछ भी और डिटेल नहीं पूछता है, इतना ही याद रखना है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब मानव जो भी भाषा बोलता है, जो भाषा है उसका अध्ययन जो है जब हम वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो उसको हम लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये बाकी के आप ऑप्शंस देख रहे हैं, जो आप फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, मोर्फीम, ये जो भी आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे हमारे लिंग्विस्टिक का ही पार्ट है। यानी कि लिंग्विस्टिक के ब्रांच अगर पूछा जाए, लिंग्विस्टिक के ब्रांचेस में क्या क्या आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का हम स्टडी करते हैं, उसके बाद ओवरऑल क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स इसको माना जाता है। यानी लिंग्विस्टिक के अंदर हम इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आता है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या है, आपका किससे रिलेटेड है, आपके साउंड्स से रिलेटेड है। ठीक है, फोनेटिक्स क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड्स। जब आप ह्यूमन साउंड की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हो, उसे हम कहते हैं फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स के अंदर भी फोनीम आते हैं, फोनोलॉजी आती है, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझो कि जो भी हम वैज्ञानिक तरीके से अगर स्टडी कर रहे हैं स्पीच साउंड का, अगर पेपर में आता है कि स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड, तो आपका आंसर क्या बनेगा, फोनेटिक्स बनेगा। ठीक है, अगला देखो क्या है, थर्ड पॉइंट आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी को ध्यान से पढ़ना क्या होता है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने वाले हैं। फोनोलॉजी इज द स्टडी हाउ स्पीच साउंड्स फंक्शन इन अ लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर फोनोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी जो है वो ये है जहाँ पे आप क्लासिफिकेशन कर देते हो साउंड्स का, यानी जो ध्वनियाँ हैं उसको आप अलग अलग क्लासिफाई करते हो। और ये क्या है कि हाउ स्पीच साउंड्स फंक्शन, यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि जो स्पीच साउंड्स है, स्पीच साउंड्स का मतलब कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम ध्वनि को निकालते हैं बोलते समय, वो कैसे हो रही है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोनोलॉजी। फोनेटिक्स क्या था, फोनेटिक्स तो ये था कि जहाँ पे आप स्पीच साउंड्स की स्टडी कर रहे हो ओवरऑल, लेकिन अगर आपसे फोनोलॉजी पूछा जाए तो ये होता है कि हाउ स्पीच साउंड फंक्शन, एक स्पीच साउंड में क्या हमारे, जैसे हम इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे यहाँ से क्या फंक्शन है ना, हमारे दांत से या टंग के पार्ट से या माउथ से कैसे एयर का फ्लो हो रहा है, कैसे साउंड निकल रही है, उसकी स्टडी हम फोनोलॉजी में करते हैं। और फोनोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, फोनोलॉजी में अगर हम फोनोलॉजिकल यूनिट की बात करें तो उसमें आते हैं फोनीम्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड का मतलब है फोनीम्स होते हैं, और इन्हीं फोनीम्स को हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं फोनीम को डिस्कस करूँ तो देखो फोनीम को ध्यान से समझना, टोटल अगर आपसे फोनीम पूछा जाए इंग्लिश में तो कितने होते हैं भाई, टोटल फोनीम्स होते हैं 44। ठीक है, सभी को पता होगा टोटल फोनीम्स इंग्लिश में 44 है, याद रखना, जिसमें से हमारे इसको 20 और 24 में डिवाइड किया गया है, 20 और 24। ठीक है, ध्यान से समझना, 20 जो हैं ये होते हैं हमारे वॉवल्स, ठीक है,
टोटल वॉवल्स इंग्लिश में 20 हैं एंड अगर आपसे कॉन्सोनेंट्स पूछा जाए, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है, हमारी 24 होती हैं, ठीक है, 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वॉवल्स. अब वॉवल्स को भी आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस 20 को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 8+12 में, ठीक है. 8 हमारे क्या होते हैं, 8 हमारे होते हैं ग्लाइड्स, जो कि पूछा गया है एग्जाम में सीटेट में, ग्लाइड या इनको हम डिपथोंग कहते हैं, ठीक है, डिपथोंग्स या ग्लाइड या फिर इनको हम डबल वॉवल साउंड भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इनको हम इम्प्योर भी कहते हैं, ठीक है. सारे नाम आपको याद रखने, इम्प्योर वॉवल्स पूछेगा, डबल वॉवल साउंड पूछेगा, ग्लाइड्स पूछेगा, डिपथोंग पूछेगा, तो 8 है, ठीक है. और 12 हमारे क्या होते हैं, 12 हमारे होते हैं जिसको हम कहते हैं मोनोफथोंग, ठीक है, मोनोफथोंग्स या इन्हें हम कहते हैं प्योर वॉवल्स, ठीक है. तो मैंने जो भी क्लासिफिकेशन था फोनीम्स का वो बता दिया है. तो देखो यहाँ पे फोनीम में टोटल साउंड्स पूछा जाए इंग्लिश में, हाउ मेनी साउंड्स इन इंग्लिश, तो 44 हो जाएगा टोटल, ठीक है. और 20 हमारे वॉवल्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. 20 को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 8 और 12, 8 डिपथोंग और 12 मोनोफथोंग, ठीक है. ये हो गए 8 12 20 मिलके. और 24 हमारे क्या होते हैं, व्यंजन, यानी जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. इनके भी बहुत अलग अलग टाइप है, वो उसमें आप डिटेल में मत जाओ, उतना नहीं पूछा जाएगा, इतना ही याद रखो. ये क्वेश्चन बन चुका है, 8 12 वाला, 24 वाला, ये सब आ चुका है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है. तो ये किसका क्लासिफिकेशन मैं डिस्कस कर रही थी, फोनीम का. तो फोनीम क्या होती है, याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की सबसे छोटी इकाई. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, फोनीम होगा, ठीक है. ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसको हम आगे फर्दर साउंड में तोड़ नहीं सकते, उसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे हम तोड़ नहीं सकते. जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर च या प, तो ये क्या है, च फ, ये क्या है आपका, ये है फोनीम, ठीक है. ये है स्मॉलेस्ट यूनिट, जिन्हें हम, अब फ को हम तोड़ नहीं सकते, च को हम तोड़ नहीं सकते, तो ये है फोनीम, जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते. तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या है हमारा, फोनीम्स होते हैं. और फोनीम्स की कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ये आपको याद रखना है. तो जब भी हम फोनीम की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि हाउ स्पीच साउंड फंक्शन, स्पीच साउंड कैसे फंक्शन करते हैं, क्या बोलने का पोजीशन होता है, वो रिलेटेड होता है फोनोलॉजी से. किससे, फोनोलॉजी से, ठीक है. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं, ठीक है. तो मैं इसको रब करती हूँ और चलते हैं अगले हमारे कंसेप्ट की तरफ. ये जितनी भी बातें मैंने अभी बताई हैं, ये आपको याद रखना है, आप खुद के नोट जरूर बनाना, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, अगला आता है मोर्फोलॉजी, ठीक है. चलते हैं मोर्फोलॉजी को समझते हैं, मोर्फोलॉजी क्या होती है. मोर्फोलॉजी देखो क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी ये रिलेटेड किससे है, शब्दों से, यानी शब्द का फॉर्म कैसे हो रहा है, एक शब्द से एक जो वर्ड है उसमें कितने वर्ड मिलके क्या एक नया शब्द बना रहे हैं, उसकी स्टडी को हम मोर्फोलॉजी कहते हैं. और मोर्फोलॉजी के अंदर क्या है, मोर्फोलॉजी को डिवाइड किस में किया गया है, हम क्या देखते हैं मोर्फोलॉजी में, हम देखते हैं मोर्फीम को, ठीक है. तो ये मोर्फोलॉजी और मोर्फीम, इसको डिस्कस हम कर लेते हैं. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी मोर्फीम, ठीक है. मोर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड. हमने अभी साउंड की सबसे छोटी इकाई को डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं फोनीम्स, ठीक है, जो कि फोनोलॉजी में आता है. और अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, जो कि मोर्फोलॉजी में आता है. अब हम डिस्कस करते हैं ये फोनीम क्या है, और ये मतलब मोर्फीम क्या है और मोर्फोलॉजी क्या है. देखो अगर हम मोर्फीम की बात करें, मोर्फीम का मतलब होता है कि सबसे छोटी इकाई, यूनिट ऑफ वर्ड, वर्ड की क्या, यूनिट, जिसको हम आगे फर्दर क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि मैं अगर बोलूं अनहैप्पी, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे अनहैप्पी,
मैंने लिखा इम्परफेक्ट, मैंने लिखा ब्यूटीफुली, या फिर मैंने लिखा अनेबल। तो अब ये जो मैंने शब्द लिखे हैं, इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन कौन से इसमें मोर्फीम है, तो हमारा आंसर क्या होगा? अब आप ध्यान से समझना, ये जो अनहैप्पी वर्ड है, इसको मैं तोड़ सकती हूँ कि नहीं तोड़ सकती हूँ? यानी कि ये अन जो है, अगर मैंने अन को हटाया तो ये कैसे बना? अन प्लस हैप्पी, ठीक है? तो ये क्या है, इसमें कितने मोर्फीम है? अगर मैं मोर्फीम की संख्या पूछूं तो दो मोर्फीम हो गए। यही मोर्फीम है, यानी किसी भी शब्द का स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट अन पहला और हैप्पी, जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर मैं हैप्पी को तोड़ूंगी तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा, यानी कि हैप्पी को मैं तोड़ नहीं सकती क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। यानी कि क्या समझे आप, मोर्फीम क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसको आगे टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे कि अन और हैप्पी को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस अनहैप्पी वर्ड में कितने मोर्फीम है? दो मोर्फीम है। जैसे कि आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय सुना होगा, ठीक है, तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स जो है वो इसी के अंदर आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आगे इम्परफेक्ट, अब देखो इम्परफेक्ट में कितने मोर्फीम है आप सोचो। जैसे इम है, ये इम एक और ये परफेक्ट दो, ठीक है, तो यहाँ पे भी इम, इम और परफेक्ट से इम्परफेक्ट बना, तो यहाँ पे भी क्या है, दो मोर्फीम है। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली में ब्यूटीफुल अलग है और एलवाई अलग है, तो इसमें भी मोर्फीम है। अनएबल, अनएबल में अन अलग है और एबल अलग है, तो ये क्या है, मोर्फीम है, ठीक है। तो जब हम स्टडी करते हैं इन मोर्फीम्स की, जब हम वर्ड्स की इस तरह से स्टडी करते हैं, जब हम फॉर्मेशन करते हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी कहते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स समझाया, इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसी की स्टडी को हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। और मोर्फोलॉजी के अंदर क्या आता है, मोर्फीम आता है, और मोर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। एक शब्द की सबसे छोटी इकाई को मोर्फीम कहा जाता है। एक शब्द में, एक वर्ड में कई सारी मोर्फीम हो सकते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया कि मोर्फीम को आपको कैसे देखना है, ठीक है, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते वो हमारा मोर्फीम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मोर्फीम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले की तरफ, नेक्स्ट आता है सिंटेक्स। अब देखो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स के बारे में ये लिखा है कि इट इज ग्रामर ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। बस ये चीज याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर का ग्रामर सिंटेक्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डील्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। देखो यहाँ पे दो बार सेंटेंस आया ना, तो सिंटेक्स का मतलब होता है ना, जब आप फॉर्मेशन देखते हैं सेंटेंस का, इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास यानी एक वाक्य कैसे बना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, मान लो कि सब्जेक्ट मैंने लिखा कि सीता, ठीक है, वर्ब मैंने लिख दिया सीता वॉक्स, या मैं लिखूं ऑन रोड, कुछ भी लिख सकते हैं, सीता वॉक्स ऑन रोड, सीता रोड पे चलती है। मैंने क्या बनाया, एक सेंटेंस बना दिया, क्या बनाया, सेंटेंस बनाया। तो इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस कैसे बना है, सेंटेंस बनने में क्या ग्रामर है, क्या रूल है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। जैसे कि आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा होगा, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये सारे जो सेंटेंसेस के टाइप्स वगैरह है, या जो सेंटेंस का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो रूल्स होते हैं, ग्रामर होती है, वो सब सिंटेक्स के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस कैसे बना है, एक वर्ड से फ्रेजेस कैसे बने, फ्रेजेस से सेंटेंसेस कैसे बने, उसकी स्टडी होती है इंग्लिश में, लैंग्वेज में सिंटेक्स, ठीक है। तो मतलब वाक्य कैसे बना है, वाक्य का विन्यास सिंटेक्स होता है। अगला देखो, नेक्स्ट आता है सिमेंटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, सिर्फ यही पूछा जाता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग,
यही पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड, तो क्या होगा हमारा आंसर? सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या है कि जब आप मीनिंग की बात करते हो, बस आपको मीनिंग वर्ड याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ, अर्थ की बात कहाँ पे होती है, तो अर्थ की बात होती है सिमेंटिक्स में, ठीक है। जैसे मैं अगर कोई भी वर्ड बोलूं, मान लो कि मैंने बोला लैंग्वेज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज बोला, तो लैंग्वेज में क्या क्या अर्थ हम इसे निकाल सकते हैं? लैंग्वेज का मतलब क्या कि लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, मान लो लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज हिंदी भी तो हो सकती है, लैंग्वेज उर्दू भी तो हो सकती है, लैंग्वेज पंजाबी भी तो हो सकती है, लैंग्वेज तो 22 है, 22 से 23 बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो यानी कि क्या समझे आप कि एक शब्द जो है उसके उसका मीनिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका कितने उसको कितने अर्थ में हम यूज कर सकते हैं। हिंदी के लिए भी हम भाषा बोलते हैं, इंग्लिश के लिए भी हम लैंग्वेज ही बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, आपका सिमेंटिक है, जब आप मीनिंग ऑफ वर्ड्स की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स की और फ्रेजेस की मीनिंग की स्टडी करते हैं कि एक शब्द को हम कैसे 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 किस किस सिचुएशन में एक ही वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको सिनोनिम पता होगा, एक जैसे सिनोनिम्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं एक वर्ड के लिए, बहुत सारे वर्ड, जैसे हैप्पी वर्ड है, ग्लैड वर्ड भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी तो सिमेंटिक हुआ, ठीक है। तो ये सिमेंटिक है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन वर्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज। अगर आपसे पूछा जाए कि यूज की बात कहाँ की जाती है, यूज यानी आप भाषा को उपयोग कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आप संदर्भ में भाषा को जहां यूज करते हो, बस यही होता है हमारा प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का मतलब, अब जैसे मैं इस तरह से आपसे बात कर रही हूं, तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या अपने फैमिली मेंबर से भी ऐसे ही बोलती होंगी? नहीं, है ना। तो ये क्या है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप किस सिचुएशन में कैसे लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। अभी मेरा बोलने का तरीका अलग है, हो सकता है घर पे बोलने का तरीका मेरा अलग हो, फ्रेंड से बोलने का तरीका अलग हो, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं, लैंग्वेज में बदलाव आता है, ठीक है। यानी आप उस लैंग्वेज को कौन से सिचुएशन में कैसे यूज कर रहे हो। जैसे ऑफिस जा रहे हो, आप बॉस से जैसे बात करते हो, जरूरी नहीं आप घर में भी वैसे ही बात करोगे, है ना। तो वो क्या है, आपका प्रैग्मेटिक्स है, यानी आप क्या देख रहे हो, यूज को देख रहे हो। तो जब भी हम स्टडी करते हैं इन यूज, लैंग्वेज के यूज की, उसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। अगला है हमारा ग्राफीम। ग्राफीम क्या होता है? ग्राफीम याद रखना कि राइटिंग में जब भी हम लिखने की बात करते हैं, तो राइटिंग सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट इन राइटिंग, लिखने में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ग्राफीम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कैट, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं बोलूँ कैट, तो कैट मैंने, कैट हम ऐसे लिखते हैं, आप सबको पता है कैट ऐसे ही लिखा जाता है, है ना। तो कैट को क्या मैं KAT कैट लिखूंगी, क्या मैं K लिखती हूँ कैट को? नहीं, पर साउंड किसका आ रहा है, साउंड तो K का आ रहा है ना, साउंड तो का आ रहा है, तो हम सी क्यों लिख रहे हैं? तो यही होता है ग्राफीम, ठीक है। आपकी राइटिंग की यूनिट क्या है, आप कौन से साउंड को कैसे लिख रहे हो। जो भी हम लिखते हैं ना राइटिंग में, मतलब समझो आपके जो भी लिखते हैं वो सब ग्राफीम ही तो है। जो भी साउंड आप बोल रहे हो उसको जब आप पन्नों पे लिख देते हो, उसको हम कहते हैं ग्राफीम। तो ग्राफीम जो है वो राइटिंग सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कैट है, कैट का साउंड K होता है, लेकिन हम K ना लिख के C लिखते हैं, तो जो ये C है यही तो ग्राफीम है, जिसको हम साउंड है तो साउंड के अकॉर्डिंग हम जिस प्रकार से लिख देते हैं उसको हम ग्राफीम कहते हैं। तो ग्राफीम का रिलेशन किससे है, राइटिंग से, इतना याद रखना, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे सारे जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। अब छोटा सा एक यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक डायग्राम बना है, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, जो भी चीज़ें लैंग्वेज हमको पता है, लैंग्वेज की स्टडी क्या होती है, फटाफट से रिवाइज करेंगे। लिंग्विस्टिक्स होती है, उस लिंग्विस्टिक्स में जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड में बताओ क्या क्या आएगा, साउंड में हमारा क्या आएगा, फोनोलॉजी, ठीक है, और क्या आएगा भाई, फोनोलॉजी आएगा, और यहां पे क्या था, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स, ठीक है, फोनेटिक्स आ जाएगा। जब हम फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म के बारे में क्या समझा हमने, वर्ड के फॉर्मेशन, यानी इसमें हमारा क्या आ जाएगा, मोर्फीम,
ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोर्फीम और सिंटेक्स। सिंटेक्स भी किसमें आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ सेंटेंस को बनाते हैं, वर्ड्स को बनाते हैं। और मोर्फोलॉजी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। मोर्फोलॉजी और मोर्फीम जो है वो रिलेटेड है आपस में। मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो मीनिंग में हमने क्या पढ़ा था, सिमेंटिक, सिमेंटिक्स और क्या हो सकता है मीनिंग में, सिमेंटिक हो सकता है और प्रैग्मेटिक्स हो सकता है, ठीक है। सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स, जहां पे आप यूज कर रहे हो प्रैग्मेटिक में, मीनिंग की बात भी यहां कर लेते हैं और सिमेंटिक आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। आप में से काफी लोगों का डिमांड था इस टॉपिक के बारे में, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो लिया। एंड अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस वीडियो को लाने के लिए। अगर आपको इंग्लिश पेडागॉजी में कोई भी वीडियो पर्टिकुलर चाहिए या किसी और टॉपिक में चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। एंड आपका फीडबैक आप ज़रूर मुझे दें, सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।